खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत हुआ आतंकवाद से प्यार, अब कीमत चुकाने के लिए हो जाओ तैयार। यह सख्त संदेश है भारत सरकार का पाकिस्तान परस्त हुर्रियत के उन नेताओं के लिए जो भारत का खाना खाकर पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं। अब यह नहीं चलेगा। भारत सरकार ने पुलवामा हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए हुर्रियत नेताओं का हुक्का पानी बंद करने पर एक और ठोस कदम उठा लिया है। तो आतंकी हमले के बाद अलगाववादी नेताओं पर सरकार एक्शन ले रही है। टेरर फंडिंग को लेकर पहले से जांच चल रही है और सरकार ने हुर्रियत के पाकिस्तान प्रेमी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। यानी जम्मू कश्मीर में रहकर आतंक की हिमायत करने वालों की पहले सफाई होगी, उसके बाद पाकिस्तान की पिटाई की जाएगी। शबीर शाह, अब्दुल गनी, बिलाल लोन, हाशिम की सुरक्षा वापस ले ली गई है। तो यह बड़ी खबर है। तो आतंक पर नकेल कसने के लिए आप देखिए किस तरीके से सरकार की तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और जो अलगाववादी है सबसे पहले निशाने पर वो। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई शुरू। ये जो अलगाववादी हैं जिनको हुर्रियत कहते हैं वो पाकिस्तान से बात करते हैं, उनको कई जगह से फंडिंग आती है और सबसे की पीड़ा की बात ये है सुरक्षा भारत सरकार से, सुरक्षा कश्मीर सरकार से और कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादियों पर मुलायम और आशीर्वाद इतना ही चलेगा। पांच अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई। अब इस सरकार में कोई पाकिस्तान का एजेंट नहीं बचेगा जिसको कांग्रेस बरसों तक मेहमान बना के रखा था। राजनाथ सिंह ने दिए थे कार्रवाई के संकेत। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली थी, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। पहले घर की सफाई, फिर पाकिस्तान की पिटाई। और बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है कि जिस तरीके से इन अलगाववादियों पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या उससे आतंकवाद पर नकेल कस पाएंगे हम जम्मू कश्मीर में? इस सवाल पर भी हम बहस करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। शेख मंजूर साहब हैं, आप जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। और कर्नल दानवीर सिंह साहब मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन पहला सवाल प्रदीप जी आपसे है, क्या हम कह सकते हैं कि इस एक्शन के बाद आतंकवाद पर हम नकेल कस पाएंगे जम्मू कश्मीर में? नहीं देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा आप उम्मीद करें कि आतंकवाद पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि इन नेताओं की पिछले कुछ सालों से देखें तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह गई थी। लेकिन देश के लोगों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों से सरकार इनका खर्च क्यों उठा रही थी। जी, सिक्योरिटी को एक बार मान लीजिए कि थ्रेट परसेप्शन है, सरकार ने सिक्योरिटी दी, सरकारी गाड़ी, इनको कहीं भी आने जाने के लिए टिकट, फाइव स्टार होटल में स्टे, जबकि ये सब करोड़पति अरबपति लोग हैं, ऐसा भी नहीं गरीब लोग हैं। तो सवाल ये कि इनको सरकार क्यों पाल पोस रही थी, क्या मकसद था, क्या इनसे फायदा हो रहा था? अब जो हमको आपको दिखाई देता है नुकसान के अलावा तो कुछ नहीं हो रहा था जी। तो ठीक है, एक सेंटिमेंट के तौर पर यह निश्चित रूप से एक प्रभावी कदम है, लेकिन आतंकवाद का इस पर घाटी में कोई बड़ा असर पड़ जाएगा वो नहीं होगा। लेकिन यही सवाल जो समर्थक हैं उनके लिए जरूर संदेश है, सरकार का रुख बदल गया जी। कर्नल दानवीर सिंह जी, प्रदीप सिंह जी जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, इससे क्या हो पाएगा? क्या ये एक्शन पहले नहीं सरकार को ले लेना चाहिए था? क्या इस घटना का इंतजार था? देखिए, ये अगर सेंटिमेंट्स के हिसाब से बात करी जाए तो ये एक्शन जो है बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता अभी आपने जो कवरेज दिखाई उसमें बोल रहे थे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने इनको पाल के रखा, तो आपने भी चार साल तक पाल के रखा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट इसका एक प्रोफेशनल एंगल भी है। इसका एक प्रोफेशनल एंगल ये है कि आज की तारीख में घाटी के अंदर जो आप पुलवामा के अटैक से थोड़ा परे हटिए, जो घाटी के अंदर जो मिलिटेंट जो वो है वो काफी कम हो गया है, जो उसकी बैकबोन टूट चुकी है। और अभी अलगाववादियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि
आज से 5 साल पहले जब काफी ज्यादा टेररिस्ट घाटी के अंदर थे और पाकिस्तानी एलिमेंट काफी ज्यादा था, अगर उस समय इनको इलिमिनेट कर दिया जाता तो हेडलेस इंसर्जेंसी हो जाती। आप समझ रहे मेरी बात? इंसर्जेंसी हेडलेस हो जाती। तो हेडलेस इंसर्जेंसी एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म है, इसलिए इंसर्जेंसी का हेड होना बहुत जरूरी है जिससे कि आप उसके उसको उसको मनूवर कर सके, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो है स्ट्रेटेजिकली इनकी जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। शेख मंजूर साहब, आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इसका क्या फायदा होने जा रहा है? मेरे ख्याल में इस वक्त ये है, इमीडिएटली ये स्टेप इस वजह से लिया गया ताकि जो सेंटिमेंट्स यहाँ ऑल ओवर कंट्री में हैं इसको किसी हद तक सूद किया जाए। लेकिन इसमें एक और दो तीन बातें हैं, इसमें न सईद अली शाह गिलानी है न यासीन मलिक साहब है, इसके अलावा दो ऐसे रहनुमा इसमें हैं, एक जो एक तो बिलाल लोन साहब जो सजाद लोन साहब के भाई है और सजाद लोन साहब की जो पार्टी है वो बीजेपी की अलाई है वहाँ पर, दूसरे हैं हाशिम कुरैशी साहब, वो उसको पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट वो पाकिस्तान में कई साल रहा, बाद में वो ही शिफ्टेड टू नेदरलैंड्स, वहाँ से वो आज से 10-12 साल पहले कश्मीर आया। ही वॉज द पर्सन इन्वॉल्वड इन 71 हाईजैकिंग, उसके बाद ही हैड गिवन अप प्रो पाकिस्तान पॉलिसी। अब अगर उसको हटाया जाए ये मुझे समझ में नहीं आया, उसका नाम इसमें क्यों है? लेना तो चाहे तो दूसरों का, लेकिन इसका इम्पैक्ट इसका टेम्पररी यही है कि लोगों को ये कन्वे करना है कि वी हैव टेकन सर्टेन स्टेप्स। नहीं नहीं, लेकिन सवाल तो यही है ना। शाजिया इल्मी में आपका रुख करना चाहूंगा, बीजेपी की नेता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। देर आए दुरुस्त आए तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस एक्शन के लिए किसी आतंकवादी घटना का इंतजार क्यों था? पहले क्यों नहीं आप लोगों ने नकेल कसा इन अलगाववादियों पर? देखिए, कुछ वजूहात रही हैं जिसके वजह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है, किस वजह से है, जो उनका मकसद था, या पूरी अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 87 के बाद जब चुनाव हुए थे तब 93 में मेरे ख्याल से इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था, तब से अब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग अलग मुख्तलिफ जो लोग थे उनकी आपस में भी एक राय नहीं थी, लेकिन कम से कम ये माना जा रहा था कि वो जो है एक पॉपुलर सेंटिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन और एक संघर्ष जो उनके दिमाग से उनके मद्देनजर जो संघर्ष है उसकी जो पूरे डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा कि वो अल्टरनेटिव या फिर वैकल्पिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से गतिविधियां और आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और वहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में बहुत जरूरी है कि कम से कम इनकी सुरक्षा जो है कवच इनका उठाया जाए। सरकार ने उठाया है, यही कह रहे हैं कि पहले करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, शाजिया मेरा सवाल सुन लीजिए, हर कोई उसका स्वागत कर रहा है, बिल्कुल सही कदम है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर गृह मंत्री ये कहते हैं, सुन लीजिए, वजूहात है, ठीक है शाजिया इल्मी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गृहमंत्री ये कहते हैं कि अब जानकारी ये मिल रही है, इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान से आईएसआई से पैसा आता था इनके पास, तो ये एकाएक तो जानकारी नहीं मिली होगी इस आतंकवादी घटना के बाद, पहले से इस तरह के इनपुट्स होंगे तो पहले से सरकार सजग क्यों नहीं हुई? सवाल मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, सरकार बहुत सजग रही है, आप शायद जानते नहीं अखिलेश जी, सबसे ज्यादा जो है आतंकवादी जितने भी आप देखिएगा, लोकल नंबर जो टेररिस्ट का है और हाईएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट जो मारे गए हैं वो 2018 का ही आंकड़ा है। एनआईए ने जिस तरह से पूरी हुर्रियत नेताओं पर जो नकेल कसने की अब जरूरत पड़ी है वो पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप? मैं वही तो पूछ रहा हूं शाजिया इल्मी। और पिछले 3-4 महीनों में देखिए जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए, नहीं वही मैं आपसे जवाब दे रही हूं, अखिलेश मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट भी नहीं लूंगी मैं आपका। देखिए आप देखिए नगर निगम के चुनाव देखिए, अगर आप म्यूनिसिपल और आप पंचायत के चुनाव देखिए, आप देखिए कितने पीसफुली वो कराए गए। जहां तक एनआईए का सवाल है और इन पर धड़ पकड़ जिस तरह से ताबड़तोड़ रेड्स हुई हैं और जिस तरह से मनी ट्रेल इनके अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर इनकी क्या बाकायदा इनके क्या तार जो है उत्सारे जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है बेनकाब किया है और इससे बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और उनके बैंक अकाउंट्स, उनके डिटेल्स पाकिस्तान में उनके जो माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आपसे आवाज मिलने में, लेकिन लगातार जो है
आप देखिएगा कि जो जो नकेल कसने का काम रहा है और मनी ट्रेल को पकड़ने का काम रहा है, जहां तक फंडिंग की बात है और इनके जो लिंक्स हैं उनको एक्सपोज करने का काम, जो सवाल पूछा वो आपने जवाब नहीं दिया संजय झा जी, ठीक है ठीक है, वो काम किया है वो सबको पता भी है, उसकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन संजय झा जी सवाल मेरा ये है, क्या हम लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी अलगाववादियों पर नकेल कसने में? जो मैं शाजिया इल्मी से सवाल पूछ रहा था वही आपसे भी है, क्योंकि आप लोग भी सरकार में जब रहे आप लोगों ने भी कुछ इस दिशा में नहीं किया, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने भी? देखिए अखिलेश जी, आपका प्रश्न मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। सबसे पहले मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि जिस बर्बरता के साथ हमारे जवानों का बुजदिलों ने कत्ल किया, वो उसमें समझता हूं कि बहुत ही अफसोसजनक शर्मनाक है और उसका भारत को जवाब जरूर देना पड़ेगा और देना चाहिए। महा तक आपका प्रश्न का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप इतिहास पढ़ जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था इंसानियत, कश्मीरियत, तो मैं जमहूरियत, तो उनका उनके सोच में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करना कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसको हमने भी कायम किया। मोदी जी की सरकार ने जब बीजेपी और पीडीपी का जो उनका जो गठबंधन हुआ कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था, इस बात को उन्होंने माना था कि हमें सबसे बात करना है, जो लोग एक तरीके से हिस्सेदार हैं उन सबसे बात करना है। लेकिन देखिए यहां पर ऐसी अजीब राजनीति होती है कि उनके एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और उन्होंने ये लिख के दिया, पूरा पढ़िए उसको, लेकिन जब टीवी स्टूडियो में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर इतना एक नाजुक एक विषय है और हम सब लोग जानते हैं, आपके मैं आपके पैनल में मैं समझता हूं कि बहुत विशेषज्ञ हैं लोग देश की सुरक्षा के बारे में, जो लोग गंभीरता से जानते हैं, तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कश्मीर के साथ आप राजनीति या सियासत नहीं कर सकते हैं। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी परेशानी अखिलेश जी वो ये है कि आज जिस तरीके के हमले हुए हैं, एक सुसाइड बॉम्बर है जिसको एक साफ तरीके से नजर आ रहा है, जैसे मोहम्मद ने तो खुलेआम कहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या है और इस पर यहां संयम और शांति से हमें सोचना पड़ेगा। यदि सरकार का सोच है कि इनकी सिक्योरिटी हटाई जाए, उससे आप एक तरीके से सेंटिमेंट बदल रहे हैं तो वो एक दूसरी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या परिवर्तन या प्रभाव होगा उस पर हमें ज्यादा गौर करना। यही देखिए सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है प्रदीप जी? नहीं अखिलेश जी, देखिए संजय जी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय की नीति के पीछे नहीं छिप सकते। हुर्रियत न तो उस समय बनी थी और न कश्मीर की समस्या उस समय शुरू हुई थी, ये एक के बाद एक सरकारें हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानने की गलती करती रही हैं। इस सरकार ने पहली बार ये कहा कि हम हुर्रियत को स्टेक होल्डर नहीं मानते, जो लोग चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, वो स्टेक होल्डर हैं, कश्मीर की समस्या का कोई भी समाधान निकाला जाएगा, कोई भी बात होगी। लेकिन यह बात सही है कि जो काम कम से कम 3-4 साल पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। एनआईए ने जांच की, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश किया, माना कि पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। बस मैं जोड़ दूं इसमें, अपनी बात आप आगे रखिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह भी तब हुआ जबकि आतंकवादी घटना हो गई, अगर ऐसी घटना नहीं होती तो शायद ये सरकार ये कदम नहीं उठाती। मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। और ये एस्टेब्लिश हो गया कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाकर इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्यों हम एक घटना, देखिए कश्मीर की सारी समस्या ये है कि हम किसी न किसी घटना का इंतजार करते हैं, रिएक्टिव है हमारी पॉलिसी, कोई घटना होती है तब हम रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो ये अब ये नहीं चलने वाला। आज जो देश में स्थिति है, लोगों में बहुत आक्रोश है लेकिन धैर्य भी है जी। लोगों को इंतजार है कि सरकार कदम उठाएगी और कोई बड़ा कदम उठाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी निराशा और इसका आक्रोश सरकार के लिए बहुत और कम से कम ये तो कोई बड़ा कदम नहीं हो सकता है फिलहाल जो हम नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा। हाँ, शेख मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। पहली बात जो मैं थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहता हूँ, वाजपेयी जी के ज़माने में मिस्टर केसी पंत को इंटरलॉक्यूटर बनाया गया और उनके साथ कुछ राउंड्स
टॉक्स भी हुए, उसमें शबीर शाह भी शामिल हुआ, प्रोफेसर गनी भी था और बहुत सारे जो मिलिटेंट थे जिन्होंने बाद में सरेंडर किया था वो भी उनके साथ एल के आडवाणी साहब भी मिले। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ब्रांड है टेररिज्म का वो कश्मीरियों ने फेस किया। तकरीबन 60,000 to 70,000 पीपल हैव बीन किल्ड। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देखेंगे टेररिस्ट ने जिन कश्मीरियों को मारा है उनकी तादाद 7,000 to 8,000 है। दिस इज द रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आप सामने रखिएगा। मैं जरा दर्शकों को पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, जरा समझिए। लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये मुंबई की तस्वीर है, फिल्म सिटी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां भी ये जो अभिनेता है, जो कलाकार है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी के नेता भी यहां पर मौजूद हैं। किरीट सोमैया को आप सुन रहे हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं अशोक पंडित भी नजर आ रहे हैं और बाकी तमाम कलाकार। जनता जानती है कि हिंदुस्तान की सेना का वीर जवान जब उठता है तो खात्मा कर। तो ये तस्वीरें तो आप देखते रहेंगे। कर्नल दानवीर जी को फिर से मैं बहस में लाना चाहूंगा। कर्नल दानवीर जी, सवाल वही है मेरा जो बार बार मैं पूछ रहा हूं हमने। चलिए ठीक है, ये जो अलगाववादी है उन पर तो हम नकेल कस रहे हैं, लेकिन जो जिस एक्शन की आवश्यकता है, क्या आपको लगता है कि इससे हो जाएगा? इससे बिल्कुल नहीं होगा। ये जैसा कि अभी आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये बड़ी कार्रवाई करी है, मतलब तो ये बड़ा कदम है क्या? बिल्कुल कतई बड़ा कदम नहीं है। मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि हुर्रियत की अभी आज के संदर्भ में उसकी रेलिवेंस कम हो गई है। एक टाइम था आज से 5-7 साल पहले जब हुर्रियत इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि जब वैली के अंदर टेम्परेचर बढ़ता था तो उनको पैसे दिए जाते थे, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ पैसे जाते थे कि भाई माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। और जब काफी पीसफुल हो जाती थी वैली तो पाकिस्तान पैसे पैसे भेजता था। ये सबको मालूम है कि किस प्रकार से पैसे के दम पर या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता था या कम किया जाता था। जब इस सरकार ने NIA की मदद से जब मनी ट्रेल को कंट्रोल किया तो उनको लगा कि ये शायद कर लेंगे, इनको काबू में कर लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम में आप ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि उस टाइम में पत्थरबाजी की घटना बहुत जबरदस्त चल रही थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है थोड़ी सॉफ्ट हुई और जब मिलिटेंट्स जो है और पत्थरबाजी की घटनाओं पे जब काबू कर लिया सेना ने और जब मिलिटेंट्स की रीढ़ तोड़ दी, काफी लीडरशिप इलिमिनेट हो गई, मसूद अजहर के 2 नेफ्यू मार दिए और जब बिल्कुल जब उनके जो ग्राउंड सोल्जर थे ISI के जब वो खत्म हो गए तो तब उनको लगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं। और इसका ट्रिगर रहा पुलवामा का ये अटैक जिसके अंदर हमारे 42 जवान शहीद हुए। शाजिया इल्मी जी, जरा मुझे ये बताइए, ये वक्त आत्ममंथन का भी है जिस तरीके की घटना इस देश ने देखी है। ये देश पर हमला है, सिर्फ CRPF के जवानों की जान नहीं गई है, उनकी शहादत नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को अब लगता है कि चूक तो हुई है? अगर पहले से ज्यादा सजग होते, ज्यादा अलर्ट होते और ज्यादा कठोर कार्रवाई हमने की होती तो ऐसी घटना होती ही नहीं। अलगाववादियों पर अब जो आप लोग नकेल कस रहे हैं, बहुत पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वाकई में ये भारत की आत्मा पर ये प्रहार है, भारत के सोल पर उन्होंने एक हमला किया है, उसके दिल को उन्होंने पर एक निशाना दागा है। लेकिन भारत इसका जवाब देगी, एक के बाद एक फौलादी कदम उठाए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने पहले ऐसा नहीं किया, भारत ने पूरी तरह से सजग रूप से हर एक लेवल पर, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिट्री के लेवल पर भी और पॉलिटिकली भी उसमें नेतृत्व दिखाया है और लीडरशिप का बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा किया है हमेशा। लेकिन आप देखिए इतने ज्यादा हताश होने के बाद, शाजिया एक मिनट, लगातार कैफ को भी आपने देखा जो गतिविधियां, शाजिया अपनी बात आप आगे रखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, जरा दर्शकों को जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। देखिए कुछ क्रिकेटर्स हैं वो भी सामने निकल कर आए हैं, वो भी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके साथ ये सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं मुसीबत के वक्त में भी। और ये पूरे देश की भावना है इस वक्त। और कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी नजर आए हैं इस वक्त स्क्रीन पर। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी सभी नजर आ रहे हैं एक मंच पर। ये मुंबई की फिल्म सिटी की इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हम देश भर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
और ये इस वक्त मुंबई की तस्वीर देखिए, सुरेश रैना भी अभी दिखे, हरभजन सिंह को तो आपने देखा ही, और ये देखिए सहवाग भी अब सामने आए हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सोल्जर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए हम सिर्फ तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जो भी प्रकार की, जिस भी प्रकार की मदद हो सके हमें करनी चाहिए अपने फौजी भाइयों की। इतना ही कहना चाहूँगा, हम सबको दुख है लेकिन आगे आने वाला समय शायद सबके लिए अच्छा होगा, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। देश के जवानों को दिख रहा है, हम सब साथ में हैं, भारत तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी ताकत बाहर से आ जाए। ये तस्वीरें तो आप देखते ही रहेंगे। संजय झा का मैं रुख कर लेता हूं, कांग्रेस के नेता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय झा जी, सवाल ये है, इस गुस्से की परिणति क्या होगी? क्या जो हमने एक्शन लिया है, जिस तरीके से हमने अलगाववादियों पर नकेल कसने का काम किया है, उसी से सब कुछ हो जाएगा या भी कई कदम उठाने हैं? देखिए अखिलेश जी, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जो सुरक्षा का जो भी ढांचा है उसमें, या प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें ढेर सारी खामियां हैं। अब आप ये बताइए कि लगभग 300 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ का हम किसी न किसी तरीके से, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, एक बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस का एक फेलियर है। दूसरी बात कि ये एक आज भी इसके बारे में चर्चा हो रही है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने कहा था कि इनको हेलीकॉप्टर दिया जाए, उसके बावजूद इनको हमने ट्रक में एक कॉन्वॉय में भेजा। और ये बहुत पहले घर की सफाई फिर पाकिस्तान की पिटाई, सरकार की फिलहाल ऐसी ही रणनीति नजर आ रही है। जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं पर अब नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे सुरक्षा वापस ले ली गई है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? किस इससे क्या हम एक कड़ा संदेश दे पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बातचीत करने के लिए तमाम दलों के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। और शाजिया इल्मी जी, आपका अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगा और जनता को यह जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो गुस्सा, जो आग जनता के दिल में है, उनके अंदर भी वो आग है, लेकिन क्या इस आग में पाकिस्तान को झुलसता हुआ हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में? मुझे लगता है हमें, हम में से किसी को भी इस बात में संदेह नहीं करना चाहिए, और इसकी मुझे लगता है संदेह की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से सैन्य, अपने सैन्य बलों के साथ, अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर, अपनी इस लीडरशिप के साथ जिसमें हमारे विपक्ष के सारे साथी इसमें शामिल हैं, और मुझे लगता है एक बहुत ही ठोस कदम, चाहे वो डिप्लोमेटिकली तो कदम लिए जा ही रहे हैं, लेकिन एक मिलिट्री ऑफेंसिव के तौर पर, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के तौर पर, और एक जबरदस्त फौलादी करारा मुझे लगता है जवाब इतनी क्रूर अपराध का जो हुआ है हमारे साथ, वो जरूर दिया जाएगा। इस बात को लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो आश्वस्त सबको कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबको इसमें पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद किसी भी चीज के लिए जरा सा भी किसी की समझौते का या गुंजाइश का की संभावना नहीं बनती। यानी सारी रास्ते किसी और, जो भी जो पीस की तरफ जाते थे या अमन की तरफ जाते थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या इज़राइल हो या मैक्रो हो, किस तरह से लोग बाकायदा आ रहे हैं, हम एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर हमेशा क्यों नजर आते हैं, चाहे कांग्रेस पाकिस्तान को देखिए आइसोलेट कर रही हो, इस तरह की घटनाओं का हमें क्यों इंतजार होता है कि उसके बाद हम रिटेलिएट करेंगे? क्यों नहीं हम आतंकवाद के फन को पूरी तरीके से कुचल पाते हैं? देखिए अखिलेश जी, हमारा ये पूरा विश्वास है कि ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पर, जैसे उनका एक जो नीति रहा है, टू ब्लीड इंडिया विद अ थाउजेंड कट्स, मतलब धीरे धीरे आप पर आतंकवाद के हमले करते रहेंगे और आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए, जब हम इस बात को जानते हैं और ये जानते हैं कि कश्मीर के लिए और कश्मीर के तरफ या
पाकिस्तान की तरफ हमारी नीति एक साफ तरीके से होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, एक समय आप कहेंगे कि नहीं, हम पूरा कश्मीर पर हमारा विश्वास यही है कि जब तक हम वहां पर बंदूक से बात करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, बाद में आप वहां इंटरलॉक्यूटर को भेजते हैं। तो एक तरीके से इतना इनका कोई, मैं समझता हूं कि सामरिक कोई सोच रहा ही नहीं है। और आज मैं सागर जी के साथ इस बात पर सहमत हूं कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चाहिए, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चाहिए सरकार कश्मीर को लेकर। मेरा बड़ा बुनियादी सा ये सवाल है, गोली बोली नहीं की बात कही जाती है, 26/11 को हम भूल जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, पार्लियामेंट अटैक को भूल जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, क्या ऐसी घटनाओं का इंतजार करते रहते हैं हम? देखिए अखिलेश जी, ये 4 साल की नहीं 70 साल की समस्या है, हर सरकार के सामने ये समस्या रही। कोई देश की ऐसी सरकार नहीं रही, कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश न की हो, जिसने अपनी ओर से पहल न की हो, जिसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश न की हो, लेकिन हमको बदले में हर बार धोखा मिला है। हम एक जिम्मेदार स्टेट होने का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से हमको सॉफ्ट स्टेट माना जाने लगा। लेकिन आप देखिए, दुनिया भर में स्थिति बदल गई है। आप याद कीजिए, संसद के हमले के बाद जब आर पार की लड़ाई की घोषणा की थी वाजपेयी जी ने, और दोनों तरफ की फौजें सीमा पर पहुंचने लगी थी, अमेरिका आ गया, रूस आ गया, चीन आ गया कि डी एस्केलेट कीजिए, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज क्या है, आज कोई देश नहीं, अमेरिका कह रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा का और उसका बदला लेने का अधिकार है, कोई देश नहीं कह रहा है कि आप कार्रवाई मत कीजिए। अब इस सरकार के सामने मेरा मानना है कि सख्त बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस कश्मीर के अंदर आप कुछ भी करें, उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए हमारी समस्या जो है वो पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं कर्नल दानवीर जी, यही तो सवाल है, क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए आपको, मैं उस समय मैं फौज में था, 26/11 जब हुआ तब फॉरवर्ड एयर बेसिंग हो गई थी, और उस टाइम की जो सरकार थी वो पाकिस्तान के जो ऐसे टारगेट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए बिल्कुल ऑन द एज थी। लेकिन उस समय अमेरिका का इतना भारी प्रेशर आया, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में था, उसको कराची और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर प्रेशर डाला और वो स्टैंड डाउन हुआ। मेरे ख्याल से 2014 के बाद में हिंदुस्तान बदल चुका है, और जियोपॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान के इर्द गिर्द है वो भी काफ़ी उसमें बदलाव आया है। आज की तारीख में तालिबान कह रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, अब पाकिस्तान जो है नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना के साथ वो एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमेरिका को भी खुशगवार नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हिंदुस्तान के हाथ मजबूत कर रहा है अमेरिका, जैसा प्रदीप जी ने बताया, वो कह रहा है कि आपको अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो और दूसरा जो हमारा जो लीडरशिप है, वो अब लीडरशिप ये बिल्कुल चेंज्ड है, ये लीडरशिप जो है मिस्टर मोदी का, ये किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, ये हमको समझना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, लेकिन आज का हिंदुस्तान बदली है, आज का हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, और बहुत स्ट्रांग एक्शन होने की उम्मीद है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, शेख मंजूर साहब, क्या लगता है आपको, मोदी सरकार की क्या कोई स्पष्ट नीति नहीं रही, किसी तरह की दुविधा रही, इसलिए इस तरह के हालात बनते चले गए? देखिए, जो भी सरकार आई यहां तक, उनके पास कोई भी कश्मीर पॉलिसी रही ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, चाहे कांग्रेस की, पहले उनकी लंबी सरकार रही। और मेरे साथ इस वक्त दिनेश वार्ष्णेय भी जुड़ गए हैं, आप लेफ्ट के नेता हैं। दिनेश जी, सवाल मेरा ये है, ये जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, अभी मैं तस्वीर दिखा रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहुंचे हैं एक शहीद के घर पर, आंखें नम हो जाती हैं, गला भर जाता है, गुस्सा आता है कि आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है, हमारे जो वीर हैं उन्हें क्यों बलिदान देना पड़ता है, क्या ऐसा हो, सरकार ऐसे कौन से कदम उठाए कि ऐसी तस्वीरें हमें दोबारा ना देखने को मिले? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना गलत, इतना भर्त्सना की जाए इस कांड की, कश्मीर में जो हमारे 41 CVRPF पर्सनल मारे गए, उसकी कोई वो नहीं है। समस्या ये आ रही है कि ये कश्मीर जो एक राजनीतिक समस्या है, इसको सिर्फ सैनिक और मिलिट्री से नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसको राजनीतिक ढंग से ही सुलझाना होगा, और उसमें कश्मीर के युवाओं और कश्मीर की जनता से ज़्यादा संवाद करना होगा। ऐसा वहाँ के गवर्नर साहब ने भी कहा है,
और हमें ये देखना होगा कि जितने भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं उनको शामिल करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का सुलझाया जाए और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बात की जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो दिनेश वार्ष्णेय, आपका इशारा अलगाववादियों की तरफ तो नहीं है कि उनसे भी बातचीत की जाए? नहीं है, नहीं, देखिए अलगाववादियों को तो इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करती, ना कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है, ना वामपंथी पार्टियां सपोर्ट करती है, ना कांग्रेस करती है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी। अलगाववादी अभी अभी कुछ महीने पहले ही यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर और आप लोगों के साथी लोग गए थे हुर्रियत के लोगों से मिलने, आप कह रहे हैं कि उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। सीताराम येचुरी गए थे, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए दिनेश वार्ष्णेय। नहीं नहीं, सभी से बात मैं क्या करूं, सारे स्टेक होल्डरों से बात करनी पड़ेगी। और यशवंत सिन्हा ने उसको लीड किया था। आप दो बातें एक साथ क्यों कह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं बातचीत नहीं होनी चाहिए अलगाववादियों से, फिर आप उनको स्टेक होल्डर मान भी रहे हैं। स्टेक होल्डर मानते हैं क्या आप? अरे जिसने जो बम डिटोनेट कर रहा है, जो गोली मार रहा है, उससे क्या बात करेंगे आप? वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेंगे ना, वहां के जो उनसे बात करेंगे ना आप? पॉलिटिकल लीडरशिप तो डिफंक्ट है वहां पे। ये बात सरकारी कब समझ आई कि इनसे बात नहीं होनी चाहिए? सीताराम येचुरी और अरविंद यादव गए थे, ये गए थे, क्यों गए थे? सबसे पहले तो बीमारी का इलाज करना पड़ेगा ना, उसके बाद में मरीज को रिस्क बनाने के लिए उसको खुराक देंगे, पहले तो इलाज करना पड़ेगा। नहीं, आप ये भी देखिए जो बीजेपी और जो कांग्रेस साथ नहीं देती तो नवजोत सिद्धू क्या करने गए थे? जल्दी से शेख मंसूर, देखिए जो बीजेपी और आपने भी तो जगदीश्वर शर्मा को आप भेजा है ना एजेंडा फॉर गवर्नमेंट, आपकी कश्मीर पॉलिसी ने कोई आता कि हम हुर्रियत से बात करेंगे, पाकिस्तान पॉलिसी तो उसमें आपको एक्सेप्ट। और जब होम मिनिस्टर रिसेंट गए, एक साल पहले गए, तो उन्होंने वो मिलने को तैयार था, मतलब दोहरा मानदंड साफ तौर पर नजर आता है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। संजय जी, ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इसी हुर्रियत के खिलाफ 1290 पन्नों का बाकायदा चार्ज करेक्ट रखना बहुत जरूरी है, 900 गवाहों की टेस्टिमनी है जिसमें बैंक अकाउंट्स का पूरा पूरा खाका है। इन्हीं हुर्रियत लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं, जो तार जुड़े हुए हैं, इसका पता तभी क्यों चलता है जब आतंकवादी घटना हो जाती है? शाजिया इल्मी, आपको भी इस देश को जवाब देना पड़ेगा। जाहिर तौर पर वामपंथी दल के नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। बता दूं, नहीं, आप लोगों ने जो किया बहुत कुछ किया, उसकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन इतने कठोर कदम उठाने के लिए क्या इस आतंकवादी घटना का इंतजार था आपको? संजय झा जी जल्दी से, संजय झा जल्दी से, मुझे मालूम नहीं कौन लगातार, संजय झा जल्दी से बोलिए सर, टाइम नहीं है। अखिलेश जी संक्षेप, अखिलेश जी संक्षेप में मैं दो चीज कहना चाहूंगा, ये कितना जरा मैं बोल रहा हूँ, जरा दो मिनट सुन लीजिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले अखिलेश जी, जिस तरीके से कश्मीरी लोगों पर हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में, 36 घंटे में, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ये जो आतंकवादी चाहते हैं पाकिस्तान के तरफ से, हम वही उनका लक्ष्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर शाजिया इल्मी की पार्टी को जिम्मेदारी से सोशल मीडिया में उनका व्यवहार बिल्कुल वाहियात रहा है। वो लोग तो जानबूझ के विस्फोटक और विभाजक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये देश की एकता और अखंडता का बात है, हर चीज में राजनीति, और यहां पर इस बात को भी ये नाकार नजरअंदाज कर रहे हैं, जो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था और महबूबा मुफ्ती ने 100 बार दोहराया है कि वो बातचीत हुर्रियत से बातचीत करने के लिए बिल्कुल छोटे हैं। अभी कौन सा ऐसा एक्शन हो कि जो जनता का गुस्सा है उसको एक सही दिशा मिले, उनको लगे कि नहीं हमारा सम्मान किया गया? देखिए, सम्मान से ज्यादा जरूरी है कि ये जो अटैक हुआ है, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट के तौर पे देखा जा रहा है काउंटर प्रॉक्सी वॉर के स्ट्रेटेजिस्ट के ड्राइंग बोर्ड पर, अगर इसको रिजॉल्व करने के लिए आपने प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इस प्रकार की घटनाएं बहुत होंगी और वो जो ब्लीड बाय 1000 cuts है, वो शायद 1000 cuts की भी आवश्यकता ना पड़े, बहुत जल्दी आप ब्लीड डाउन कर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जो जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ बदला पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।